हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 133 का भाई नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने भाई देखा कि अब महसूस जो कि भाई अब रावण के पुत्र हैं उनकी भाई मृत्यु हो चुकी है, वो भी काफ़ी चुप चुप कर जा कर भाई हमले करते थे, वो क्या अब। लेकिन अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेप लेते हैं अभी रावण। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। ये क्या, ये तू राम ने सेतु बना ही दिया, मैं इस सेतु को ध्वस्त ही कर देता हूं। जय श्री राम। तो रावण के विनाश का प्रारंभ हो गया है माता त्रिजटा, महासुरा की मृत्यु और सेतु तोड़ने में असफलता रघुनंदन राम के मनोबल को और बढ़ावा देगी। इससे दुष्ट पापी रावण रघुनंदन राम पर सामने से प्रहार करने में और भयभीत होगा। परंतु सीता, रावण बहुत हठी भी है और अहंकारी भी, कुटिल भी है और षड्यंत्रकारी भी, परंतु वो मन ही मन जानता है वो सेतु कभी नहीं तोड़ सकेगा। सेतु बनते ही रघुनंदन राम लंका आ जाएंगे और फिर वो दुष्ट पापी रावण अधिक दिन जीवित नहीं बचेगा। ये सेतु रावण के जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को मिटा देने वाला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता प्रभु कि दशानन संभवतः यही चाहते हैं कि आप समुद्र लांघकर लंका न पहुंच सके। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता महाराज विभीषण कि हम लंका पहुंचेंगे। आप हम रावण को सेतु ध्वस्त करने का अवसर नहीं देंगे। लक्ष्मण भैया, आप कहें तो मैं रावण को लंका जाकर चेतावनी दे कि अब उसे सेतु ध्वस्त करना है तो स्वयं सामने आना होगा ताकि प्रभु श्री राम उसे ध्वस्त कर दे। निकल आया ऐसी लहरों पर सेतु बनाना संभव है राम। संभव क्या सेतु? राम ने सेतु बना ही दिया, असंभव को संभव कर दिया। मैं इस सेतु को ध्वस्त ही कर देता हूँ। ओ ना, अब नहीं। करो ट्राई, करो कोई फायदा नहीं। ख्वाब देख रहा हूँ वो तेरी। क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों? मैंने तो बोला काम निपट गया। क्या दरवाजे के सामने, वो खिड़की के सामने क्या करेगा? आ रहा है आग खिड़की। इधर हम पावरफुल देखेगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं मंदोदरी को कि मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। दशानन लंकेश को सेतु तोड़ने की कोई भी कुटिल चाल चलने से पहले 10 बार विचार विमर्श करना होगा। अच्छा महाराज विभीषण,
हमें दुष्ट रावण पर विश्वास न करते हुए और भी अधिक सावधान और सतर्क रहना होगा। इसीलिए सेतु बनाने के साथ साथ हमें सेतु की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा जी, और उसके लिए हमें कोई योजना बनानी होगी। और मेरी योजना यह है कि सेतु का निर्माण करते समय महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, अंगद और लक्ष्मण सेतु को सुरक्षा प्रदान करेंगे और हर उस शत्रु का विनाश करेंगे जो रावण सेतु तोड़ने के लिए भेजेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये सेतु बनाकर तुमने असंभव को विसंभव कर दिखाया। इस कार्य से तुम्हें तीनों लोगों में याद किया जाएगा महाराज सुग्रीव। जी रघुनंदन, अपने सभी सैनिकों को आज्ञा दें कि वो सेतु पार करने के लिए एकत्रित हो जाए। जय श्री राम। राम पर प्रतिबंध लगाने की हमारी कोई भी योजना पूरी नहीं हो रही है मेघा। होनी को टालने का हर प्रयास असफल होगा ही होगा माता त्रिजटा। मेरे प्रभु का लंका आना होनी ही है। मैं भी यही चाहती हूँ सूपनखा कि श्री राम लंका में ना आए, परंतु इसके पीछे मेरी भावना लंका के विनाश को रोकने की है। विनाश तो भोकर ही रहेगा माता त्रिजटा। जैसे ही समुद्र पर सेतु बन जाने का समाचार मिल जाएगा, वैसे ही लंका, रावण और रावण के पूरे परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती तो राम और लक्ष्मण की शुरू हो चुकी है पिताश्री। कैसे? कहते हैं ना कि जहाँ पर मृत्यु आती है मानव वहाँ पर स्वयं ही पहुँच जाता है। माता त्रिजटा, कभी कभी इंद्रजीत की स्वयं मृत्यु ही अपने भक्ष को निगलने आती है। इस समय रघुनंदन और सौमित्र के तुनीर को अपना वाहन बनाकर रावण की मृत्यु आ रही है। मुझे तो भय लगने लगा है कि लंका में अब मृत्यु का तांडव होगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति अब हमारे अनुकूल नहीं रही। जिन ग्रहों को लंकेश ने बंदी बनाया था वही ग्रह अब मुक्त होते ही लंकेश के बैरी बन गए हैं। ये आपका भ्रम है भाभी। राम का भ्रम मैं तोड़ूंगा इंद्रजीत, राम का भ्रम मैं तोड़ूंगा। तो रावण का भ्रम तब टूटेगा जब रघुनंदन श्री राम अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके दसों के दस सिर काट गिराएंगे। हां जी, मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि रघुनंदन राम शीघ्र अति शीघ्र समुद्र पर सेतु बना देंगे। नल और नील, ये सेतु बनाकर तुमने असंभव को विसंभव कर दिखाया है। रावण के मृत्यु नजदीक आ तुम्हारा जीवन धन्य है। कंप्लीट इस कार्य से तुम्हें तीनों लोगों में याद किया जाएगा। महाराज सुग्रीव। जी रघुनंदन, सुजेल पर्वत पर पहुंचने के लिए अपने सभी सैनिकों को आज्ञा दें कि वो सेतु पार करने के लिए एकत्रित हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। बिल्कुल भाई, हो गया कंप्लीट, पूरा हो गया भाई। और अब रावण के जो भाई 10 सर है ना, एक एक करके उतरेगा भाई। ऐसे जैसे आप देख ले कि उसकी टेंशन बढ़ती क्या जा रही है भाई। जो उसने सपना देखा है ना भाई, वो काफ़ी खतरनाक था। और यकीन माने हम तो ऐसे ही समझ रहे थे सपना नहीं, सपने का तो बाद में पता चला। पहले तो ऐसे ही जैसे सच में भाई ये आ गया और फिर से कोई ब्रिज को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसका आने ही ऐसे भाई। और उसने जब वैसे अपनी कोई पावर वाली चीज़ निकाली है, तब पहले तो हम डरे थे कि पता नहीं भाई ये यहाँ पर फिर से कुछ करके चला जाए। लेकिन ये कि जब उसने भाई वो सपने में उल्टा उसको ही लगा भाई, तब हमें पता चला कि ये सपना है। क्योंकि वो ऐसे डरा हुआ था और माँ रानी मंदाद्री वो भी भाई काफ़ी डरी थी कि भाई इसको यकदम क्या हो गया,
क्योंकि वो भी बेचारी सोई होती है, ये ऐसे सपने देखता और दूसरों को भी डराता है भाई रावण। वैसे भी भाई अब काफी नजदीक आम आन लगा है देखने। सही बात है, जैसे रावण ने इधर प्रवेश किया था ना, तो एकदम से भाई एक शौक हो गए थे कि भाई वाकई ये ब्रिज, क्योंकि मुश्किल से मासूर की एक मृत्यु हुई थी, वो इधर आया था तबाह करने ब्रिज। लेकिन अब रावण आ गया था तो मुझे तो लग रहा था कि खाली हाथ रावण नहीं जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति इधर मतलब कि वो इस्तेमाल करेगा और ब्रिज का कोई ना कोई मतलब कि एक आधा हिस्सा तो उसको डैमेज कर जाएगा या कोई चीज़ इधर हो जाएगी। लेकिन जब वो एक चीज उसकी पावर एक उसके ऊपर ही चली ना, तब जाकर पता चला कि भाई वो एक एक सपना देख रहा था और उसको एक सपने अभी से डरावने सपने आ रहे हैं, क्योंकि अब उसकी एक ना जो मृत्यु है वो एक नजदीक आ जा रही है। बेचारा एक महारानी मदोदरी को भी नहीं बता रहा था कि इसको बताऊंगा तो ये फिर से बोलने लगेगी कि सीता जी को पीछे भेज दें आप, फिर जाकर मामला ठीक होगा। देखे ना कि वो डरता इसी चीज से है कि मैं कोई बात ना करूं, क्योंकि महारानी मंदोदरी हर वक्त उसके सर के ऊपर मंडला रही होती है, जैसे अब उसकी मौत नहीं मंडला रही, और वो कोई भी गलती करता है तो वो सीधा बोल देती है कि सीता जी को आप अभी वो अपनी इतनी मतलब कि एक टेंशन में है और इतना मतलब कि मसरूफ है कि वो अब उधर सीता जी के पास भी नहीं जाता, वो एक सोच रखता है कि उधर जाने की। बस आपने मामलों में एक जकड़ गया कि पहले एक मासूर की एक मृत्यु हुई उसका गम, लेकिन देखो उसको गम नहीं हो रहा। बेचारी माँ रानी मदोदरी एक आकर मतलब कि उसको बोलती भी है कि हमने इतने बलिदान दे दिए और कितने एक बलिदान देंगे, एक मतलब कि महसूस बड़ा होता है, जाहिर नहीं करवाता ये चीज़। लेकिन एक तो भाई जो अभी से इन्होंने बेस्ट काम किया है ना इधर श्री राम जी ने, जो मतलब ड्यूटीज लगा दी है प्रोटेक्शन के लिए, जो ब्रिज की प्रोटेक्शन है ना उसके लिए, कि आपने मतलब अलग-अलग आपने हिफाजत करनी है, वो एक अच्छा काम किया है। लेकिन एंड के ऊपर अगर देखा जाए तो भाई अब ब्रिज कंप्लीट भी हो गया, नील और नल को जो है ना इस चीज़ के ऊपर शाबाश भी दी है और कहा कि आपको याद रखा जाएगा कि आपने ये एक बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब सेना जो है ना उसको बुलाया जा रहा है कि आप सेना आए, अब हम जो है ना वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो दरमियान में रावण फिर को रोड़े अटकाता है या एक जो है ना वो स्मूथली जो है ना वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आप नहीं, सही बात है। अब ब्रिज तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इधर बाद मुझे हनुमान जी की याद आई है कि मैं एक बार फिर लंका में जाकर उसको बोलता हूँ कि लड़ना है तो सही तरीके से लड़ो सामने आकर, ऐसी चीज़ें अगर वाकई पावर है तो ऐसी चीज़ें क्यों माया भी करते हैं। हाँ सही बात है, कोई पता चले, हमने भी सुना था यार ये रावण के पास बहुत पावर थी लेकिन कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ब्रिज हो गया कंप्लीट तो अब आएंगी आगे सेना, तो जाएंगी भाई लंका में। तो करते हैं वीडियो एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।